नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। महफिल मिलाद ख्वाजा मीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह का बीजापुर शहर के चौकंडी में पिछले 17 महीनों से ख्वाजा मीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह का महफिल मिलाद सैयद अनवर पाशा हुसैनी साहिब की मौजूदगी में मनाया जाता है। इसी मौके पर हसन डोंगरी हिप्परगी का सम्मान किया गया। हमारे माध्यम से सैयद अनवर पाशा साहिब ने बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रत ख्वाजा अमीन अली आला का चौकंडी शरीफ बारगाह ख्वाजा वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो है। अब आप पूछेंगे भाई दो दो कैसा, बोले तो क्या है, अमीन अली आला के जब विसाल हुआ तो उनको 110 दिन यहाँ रखे। ये है सो बातिनी जगह, जाहिरी जगह वहाँ पे, ये बातिनी जगह बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये एक 5-6 साल से क्या है, दादा का कर्म ऐसा हुआ कि भी मुझे चुने, मैं इसे जाहिर में लाया। इससे पहले जब इससे पहले 6 पीढ़ी जो थी सब किस बातिनी में चले गए। आज चीज़ एक 5-6 साल से जाहिर में आ गए। अब जाहिर में आने के बाद जो मैं यहाँ दादा की खिदमत कर रहा हूँ, मैं और मेरे फर्जंद ये तारुल्ला हुसैनी हाफिज, तो क्या है ये दीन के काम को यहाँ से मिशन शुरू करना बोल के मेरे दिमाग में आया। दादा का करम, ये मस्जिद का काम भी शुरू है और मेरे बच्चे जो हाफिज कुरान हैं उन्होंने मदरसा भी शुरू करें। ये दादा के दरबार जो है बातिनी दरबार है, यहाँ का इल्म जो सीखने वाला जो है इंशाल्लाह उन्हें वलीश होना, ये हमारे दादा से नतीजा भी है। और हर महीने की जो उर्दू की 23 तारीख है, उर्दू की 23 अंग्रेजी में, ये मौलू शरीफ और खत्म खाना का जिक्र हम ये लोग यहाँ पर हर महीने की बनाते हैं। और लंगर का अहतमाम भी है। और बहुत सिलसिला कब से चल रहा है? ख्वाजा अमीन अली आला का सिलसिला जो है चिश्तिया सिलसिला है। हाँ। और ये 356वां उर्स उनका हुआ परसों, अब रमजान में भी वहाँ पर उर्स है। ये महीना जो 16-17 महीने से हम लोग आए। जो साहेब कर रहे काम माशाल्लाह, काम बहुत अच्छा है, दीनी तालीमात पहुंचा रही और छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चों को जो दीनी तालीमात मिल रही है इसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और 17 महीने से कर रहे थे माशाल्लाह, अभी तक तो हमें पता नहीं था, अभी पता चले, इंशाल्लाह इसके आगे भी खबर हमें पहुंचेंगे कि दीनी तालीमात घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है बोलकर। और रही बात माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा, और इनके बेटे भी हाफिज़ होंगे थे और मस्जिद का भी काम चल रहा है। देखो इंशाल्लाह ऐसा काम चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और दीनी तालीमात भी देना ज़रूरी है कि तो माहौल बहुत ख़राब चल रहा दुनिया में, बच्चों को दीनी तालीमात भी देना, दुनिया की तालीमात भी देना। दुनिया की तालीमात क्या देना कि बच्चे आगे ऐसा लड़ना बोल को सिखाना, ऐसा मुद्दा रहा तो ऐसा लड़ना बोल के, क्योंकि अब इस्तीफा एक बात घटी आयशा की, बहुत खराब बात घटी। वो बात के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को एक ही सिखाओ, तू मार को बेटा मेरे घर को आ जाओ वापस, तू आत्महत्या मत कर, बोलो इतना बोलो बस। और जो हमारे साहेब करें काम लंबर उन काम है, अल्लाह के फजल से जो दिन पहुँचा रहे हैं इनशाला, इनका काम से मैं बहुत खुश हूँ साहेब, आपका शुक्र गुजार हूँ मैं, इतना बोल के मेरी बात खत्म। आपका नाम सर? हसन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के चौकंडी नाम के इस पाक मुबारक जगह पर खड़े हैं। ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला जो है ये दौरे हज़रा के तसव्वुफ़ हैं। आप जो है आपकी तालीमात, आपका मशन बहुत, आपका मकाम ऊंचा है, और आपकी जो किताबें हैं वो ब्रिटिश रॉयल लाइब्रेरी के अंदर जो है आपकी बहुत सारी किताबें हैं, और आप जो है तकरीबन जो है 356 साल हो गया,
आज भी जो है यहाँ से फैजान जारी और सारी है, और ये 17 महीने से जो है यहाँ मदरसा भी खुला हुआ है, बच्चे ज़ाहिरी तालीम भी ले रहे हैं, कुरान नाजरा भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये हर महीने की 23 तारीख को जिक्र अशगाल हो रहा है, जिसमें नात वगैरह पढ़े जाते हैं ख्वाजा मीनुद्दीन अली आला के, जो उनके मशन उनके तालीमात जो तबलीगी काम है उसे भी जो है लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। एक निज़ामी एक खानकाई निज़ाम बड़े अच्छी तरीके से चला है कि अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के सदक़े में इसी तरीके से इसे जारी और सारी रखे, और ये बादशाह तसव्वुफ़ का फैजान जो है सारे बीजापुर के लोगों पर आम हो जाए, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। आपका नाम? शेख अल्ताफ़ जुनैद। अल्हम्दुलिल्लाह बारगाही ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा रहमतुल्लाह की चौकंडी शरीफ है। यहाँ पे लगभग 17 महीने से एक प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की सदारत में, कि एक वक्त में लगभग 5 से 10 अफराद की मौजूदगी में ये प्रोग्राम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 महीने के करीब आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 किलो खाने का अहतमाम किया जाता है और वो भी ख़त्म हो जाता है। ये ख्वाजा अमीन का करम है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसी तरह हम लोग इल्म जो लोगों के पास कम हो चुका है ख्वाजा अमीन के फैज़ो करम से इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तक उनका फैज़ पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इल्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिसके पास इल्म नहीं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की ये बारगाह एक ऐसा मरकज़ बनेगी इंशाल्लाह, यहाँ पे जो भी आए वो इल्म से अपने आप को मुस्तफीज करके इंशाल्लाह यहाँ से बाहर जाएं इंशाल्लाह, हमारी ये कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सैयद हाफिज ताहिर हुसैन। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.